पाहिलं होतं त्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या होत्या गोलंदाज ज्ञानेश्वर याने, त्यानंतर मात्र मयूर याने तब्बल 25 धावा खर्च केल्यात या षटकामध्ये। तर आता मात्र गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, तिसरं षटक वैयक्तिक पहिलं केतन खरत आलाय। यावेळेस हा पहिला चेंडू नक्कीच अतिशय सुरेख चेंडू पाहिला आपण, अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नव्हता, फाइनली क्षेत्रात खेळायचा प्रयत्न होता मात्र निर्धाव गेलाय चेंडू, कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर। क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण वारंवार बदल पाहतोय, त्याचं कारण म्हणजे डावखुरा फलंदाज खेळपट्टीवर खेळत आहे अहमद केतन वलतोय षटकातील पुढील चेंडू। यावेळेस अतिशय सुंदर चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू, वेगवान चेंडू, चेंडू पडल्यानंतर मात्र सलग यष्टरक्षक कले करतोय, कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर। बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 35, निर्धारित 4 षटकाचा सामना आपण पाहतोय, अतिशय चुरशीची लढत, कारण दोन्ही संघांचा विचार केला दोन्ही संघ मजबूत आहेत, फलंदाजी असो किंवा गोलंदाजी अतिशय सुरेख आपण पाहतोय। गोलंदाजा केतन पुन्हा एकदा बोलतोय, यावेळेस पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू, यस सफल होकर खेळणं चाहते ते और जब आप सफल होते तो गेंद वाइट नहीं देती दी जाती, इंटरनेशनल रूल इस वक्त आप देख रहे हैं ताजिन ट्रॉफी 2018 में। बॅक टू बॅक तिसरा निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, गोलंदाज केतन घरत याच्या माध्यमातून अतिशय सुरेख गोलंदाजी, कमबॅक करताना दिसून आला या षटकामध्ये व्ही आर स्पोर्ट हा संघ। यावेळेस मात्र चेंडू ये दो बैट्समैन जब जब चले आरके चलती नहीं है बल्कि दौड़ती है, आज वही हो रहा है कि अकबर चल रहे टीम चल रही है, अमजद खरबूजे को देखकर अब तरबूजे ने रंग को बदल दिया है। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहिला, ज्या प्रकारचा चेंडू होता तसा समाचार आपण पाहतोय, अमजद याच्या बॅट मधून षटकार येतोय, धावसंख्या 41 41 झालेला आहे। यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू, दुसरा षटका टोकण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज या ठिकाणी बाद जातोय, आपण एक अतिशय उत्कृष्ट जेल पाहिला तुषार शेलके याच्या माध्यमातून, जवळजवळ चेंडू सीमारेषे बाहेर पडणार होता मात्र अतिशय सुरेख प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात यशस्वी आपण पाहतोय तुषार शेलके याला। आज अमान स्पोर्ट सहारी अपनी आखरी ओवर को लेकर, क्या आखिरी ओवर में 4 सिक्सर आए थे नए बैट्समैन तवाब मुल्ला। तर तिसरा गडी बाद झाला आरके स्पोर्ट या संघाचा, आपण आरके स्पोर्ट या संघाला पाहतोय वजूद सुसे फॅन टीम, तर नवीन फलंदाज तवाब मुल्ला येतोय, केतन पुढचा चेंडू, यावेळेस अतिशय सुरेख चेंडू सीमारेषे बाहेर, और अभी 30 पर बल्ले 6 गेंदों का तो संदेश वखारी स्कोर कहां जाएगा। नक्कीच अतिशय धुवाधार फलंदाजी आपण पाहतोय, अकबर याच्या बॅट मधून तब्बल 30 या धावसंख्येवर खेळतोय, त्यामध्ये 4 षटकार तर 1 चौकाराचा समावेश। नवीन फलंदाज तवाब मुल्ला आलाय खेळपट्टीवर, पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय, कारण शेवटचं षटक शेवटचे 6 चेंडू धावसंख्या धावफलकर आपण पाहतोय 47 47 धावा झालेले आहेत। बडे मॅच का मजा ले रे इस वक्त तालुका क्रिकेट के बडे क्रिकेटर जयेश पाटील,
आपका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं ताजीन ट्रॉफी 2018 में। सूरज शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलाय, पाहूया संघाचा संघनायकाने जो विश्वास दाखवलाय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी त्या विश्वासाने गोलंदाजी करतोय का। तर वैयक्तिक पहिल्या चेंडूचा सामना करेल तवाब मुल्ला, हा देखील एक स्फोटक फलंदाज मानला जातोय। तर गोलंदाज सूरज षटकातील पहिला चेंडू घेऊन वळतोय। यावेळेस चेंडूवर प्रहार झालाय, चेंडू तवाब मुल्ला होती खेळी संपुष्टात आलेला आहे। नहीं, तवाब मुल्ला पूरा सीजन जूनियर कप आप देखें, जितने भी उठाकर चले नहीं है। जब जब चले हैं अकबर चले या अमजद चले, जिसके कारण आरके चल रही है। नए बैट्समैन जैन और वॉटसन, यस ये भी एक अच्छे बैट्समैन है, पिंच हिटर बैट्समैन। नक्की जब तक चौथा गड़ी बात होते तवाब तवाब मात्र त्या लय मध्ये दिसत नाहीये या हंगामाचा विचार केला तर। तर पहिल्याच चेंडूवर विकेट आपण पाहतोय। सूरज हा गोलंदाज गोलंदाजी हाताळतोय, शेवटचं षटक आहे। मात्र शेवटच्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर तवाब एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बाद झालाय। नवीन फलंदाज जैन आलाय, तर मात्र स्ट्राईक एंडला तो फलंदाज ज्याच्या बॅट मधून आपण एक चौकार चार षटकार आतापर्यंत पाहिलेले आहेत अकबर। सूरत षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय। यावेळेस एक वेगवान चेंडू, लो फुलटा चेंडू होता, चेंडूला नक्कीच अतिशय सुरेख पद्धतीने खेळून काढला। एकच धाव मिळाली, या एका धावेची धावसंख्या पुढे सरकते। धावसंख्या धाव फलकावर 48-48 धावा पाहतोय आपण। दोन धावांचा पॅनल्टीचा सामना करतोय व्ही आर स्पोर्टा संघ, आणि त्या पॅनल्टीच्या धावा शेवटच्या क्षणी प्लस केल्या जातील। यावेळेस मिस टाइम चेंडू हवेत आहे, झेल खाली यष्टरक्षक सचिन झेल टिपतोय आणि अजून एक गडी बाद होतोय आरके स्पोर्टिया संघाचा जैन। नवीन फलंदाज कॅफ येतोय, पाहूया कॅप कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। मात्र स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा अकबर, अतिशय सुरेख फलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय। अकबर याच्या बॅटमधून तब्बल 31 धावा आलेल्या आहेत। सूरज पुन्हा एकदा वळतोय षटकातील पुढील चेंडू। यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये। एक वेगवान चेंडू आपण पाहतोय, सरळ यष्टरक्षक कलेक्ट करतोय, कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय शेवटच्या षटकामध्ये, कारण चार चेंडूंचा खेळ झालाय। आतापर्यंत दोन गडी बाद एकच धाव खर्च केले या षटकामध्ये, अजूनही दोन चेंडूंचा खेळ शेष आहे। सूरज वळतोय षटकातील पुढील चेंडू। यावेळेस नो चेंडू अवंतर धाव, बीमर चेंडू आपण पाहतोय, आणि यानंतर मात्र एक फ्री हिटचा चेंडू असेल। फ्री हिट एक असा चेंडू ज्याच्यावर पूर्ण स्वातंत्र्य असते फलंदाजाला की मोठा फटका खेळू शकतोय, कारण यष्टीचित आणि धावचित वगळता कोणत्या प्रकारे फलंदाज बाद होऊ शकत नाही या चेंडूवर। तर पाहूया तो मोठा फटका खेळतोय का फलंदाज अकबर। मात्र आतापर्यंत प्रशंसाजनक गोलंदाजी आपण पाहतोय, शेवटचं षटक आहे सूरजाचं। सूरज वळतोय षटकातील पुढील चेंडू। यावेळेस या षटकाराच्या मदतीने मात्र तब्बल 37 धावांवर खेळत आहे अकबर हा फलंदाज। एक चौकार एक पाच षटकार आपण पाहिले याच्या फलंदाजीमध्ये। अगर रियल स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉली युवा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। 37 पर बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन अकबर, टीम का स्कोर है 55 रन। सूरज यावेळेस एक अनपेक्षित तोसली घेणारा चेंडू, चांगला फटका आपण पाहतोय। डीप फाईन लेग सीमारेषेलगत चेंडू, सीमारेषा बाहेर
चौकार। तर या चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या धावफलकावर 59 ज्या पेनल्टीच्या दोन धावा नक्कीच त्या प्लस केल्या जातात। 62 चं टार्गेट असेल धावसंख्या 61-62 धावांचं टार्गेट आपण पाहतोय व्ही आर स्पोर्ट या संघासाठी। ये इस सीजन के तीसरे बैट्समैन बने अकबर जो 40 प्लस कर पाए। 48 रितेश ने किए थे, 2 रन से चूके थे अपने अर्धशतक से, 62 बनाने। तर चार षटकाची समाप्ती आपण पाहिली। चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर पेनल्टीच्या धावा जोडून 61 झालेल्या आहेत। तर 62 धावांचं आव्हान असेल व्ही आर स्पोर्ट या संघासमोर। पाहूया व्ही आर स्पोर्ट या 62 धावांचं आव्हान आणि त्या आव्हानाचा पाठला कशा प्रकारे। गणेश इलेवन संघाचा एक स्फोटक फलंदाज जयेश पाटील, आपणास विनंती असेल आपण नाणेफेकी करून घ्यायची आहे। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी होणार आहे, आपण त्या ठिकाणी जायचं आहे। जॉली स्पोर्ट माफ करा जॉली युवा आणि रिअल स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान सामना असेल। जयेश पाटील आपण त्या ठिकाणी जायचं आहे। ओ टू टॉस बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया संदेश वकारे जयेश पाटील हमसे जुड़े। यस एक और बड़ा मैच जॉली युवा बनाम रियल स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर एक्सपीरियंस की भरमार लेकर उतरेंगे वसीम अंसारी। लेदर खेल रहे थे और अब टेनिस पर उतरे जयेश पाटिल के साथ। बहुत लेदर खेला है वसीम अंसारी में। कौन टॉस को इस वक्त जीता है वसीम अंसारी ने, रियल स्पोर्ट्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश जी, आपको वीआईपी पर बैठना है। सबसे पहले ये बताइए वसीम भाई, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करना चाहेंगे। एक लक्ष्य होगा आपके जहन में कि कितने रनों तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि जॉली युवा इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है पिछले सीजन के मुकाबले में, तो एक लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, कहां तक रोक रहे? अंडर 40 के अंदर। अंडर 40 के अंदर कौन सा ऐसा वो गेंदबाज है जो रोकने में आपकी मदद कर रहा है? लैला है, आफाक है। कल जो लास्ट टाइम आपकी जो टूर्नामेंट टीम खेली थी रियल स्पोर्ट्स, वही टीम खेल रही है या टीम में कोई चेंजेस है? एक दो चेंजेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियल स्पोर्ट्स के कैप्टन। अब हम जुड़ रहे हैं जॉली युवा के कैप्टन सुमित सोनार के साथ। सुमित सोनार, सबसे पहले ये बताइए कि ताजीन ट्रॉफी एक अलग अंदाज में, क्या कहना चाहेंगे इस ट्रॉफी के बारे में? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रही है, हर साल उन्होंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और सिटी इमर्जिंग के अंदर है तो अच्छा ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपको पहले बल्लेबाजी करनी, कितने रनों तक जा रही? हम 40 प्लस के लिए तब देखते। लास्ट टाइम जो टीम आपकी खेली वही है या टीम में अभी कोई चेंजेस किए गए? 2-3 चेंजेस है, वो मैच के टाइम पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया है थे सुमित सोनार जॉली युवा के कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस, रियल स्पोर्ट्स विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए एक गरम मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस वक्त 62 की चुनौती है। कैफ हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। बल्लेबाजी में तो सब कुछ दिखा दिया अकबर ने, अब जिम्मेदारी है गेंदबाजों पर, लेकिन उनका सामना किससे? सचिन से। एक सचिन वो जो क्रिकेट के भगवान बने, एक सचिन ये जो इस सीजन नंबर 1 पर रैंकिंग कर रहे सिटी इमर्जन के अंदर।
यस, मैच की शुरुआत वीआर के साथ। पहला बॉल लेकर आ रहे हैं अली, उनका सामना करेंगे बैट्समैन। पहली गेंद नंबर वन बैट्समैन को, बासठ बनाने 62, लेकिन वीआर के पास बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा है। लेकिन ये क्रिकेट है, बदला जरूर चल रहा है, क्योंकि संयुक्त कप के मेगा फिनाले में टकराई थी। न्यू बैट्समैन शुभम, हालांकि स्ट्राइक पर है बैट्समैन त्रिमूर्ति। सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेले थे त्रिमूर्ति, यही कारण था कि मेगा फिनाले में वीआर पहुंची थी। अली की एक गेंद बल्ले को किस लेकर सुमेल सुसे की तरफ, कोई रन नहीं। यस और फॉर विराट कोहली, देर रात हो या 12 बजे हो या सुबह का सूरज निकलता हो, सुमेल सुसे का चश्मा नहीं उतरता। इस मर्तबा गेंद को ड्राइव किया, यस इस वक्त फील्डिंग में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं सुमेल सुसे। नंबर वन टीम दो रैंकिंग कर रही, नंबर वन पर महंती स्पोर्ट्स और आरके, नंबर दो पर मयूरेश एंटरप्राइजेस और वीआर स्पोर्ट्स, एक एक रनर के साथ। अली की गेंद फ्लिक किया है, दूसरा पूरी तरह से अच्छी गेंदबाजी की थी संयुक्त चषक में, 6 रन 5 रन से ज्यादा नहीं दिए थे, लेकिन आज बड़ा मैच है और प्रेशर तो रहता है, गेंदबाज तो बहुत अच्छे हैं। अली एक बार फिर अपने बोलिंग मार्क से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट, त्रिमूर्ति के लिए इस मर्तबा बिल्कुल कैच ले लेते तो मेरी तरफ से यस, इस सिक्सर की मदद से अब सेफ जोन और अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है। टोटल स्कोर 14 हो चुके हैं वीआर स्पोर्ट्स के। एक बार फिर कैप नीचे आउट, दो झटके लग चुके हैं इस वक्त वीआर स्पोर्ट्स को। देखना है कि अब एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टोटल स्कोर है 14 रन, एक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं 62 के जवाब में, लेकिन वीआर की जो शुरुआत है वो अच्छी नजर आ रही है। लेकिन यह अलग बात है कि इख्तिताम किसके नाम होता है, अगर वीआर मुकाबला जीतती है
तो बदला होगा और आरके जीतती है तो नंबर वन पर तो है लेकिन आगे नक्की जिप्तेकर आपण पहिल्या षटकाची समाप्ती पाहिली. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. मात्र जर व्हीआर स्पोर्ट या संघाला सामना विजय व्हायचा असेल तर पहिल्या षटकापासून मात्र 15.50 सरासरी आवश्यक होती. मात्र ती सरासरी या ठिकाणी प्राप्त झालेली नाहीये आणि त्या मोबदल्यात सचिन आणि त्रिमूर्ती सलामीला आलेले. सलामीवर मात्र आपण तंबूच्या आश्रयाखाली पाहतोय. अमजद यस ये वो दुसरे गेंदबाज ते जिन्होंने मैदानवर किया इस सीजन. अमजद की पहली गेंद शरीर पर ले बैठे केतन गरग. एक ही एक्शन में जब आप दो तीन किस्म की गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन के लिए दुविधा बढ़ जाती है स्ट्रोक खेलने के लिए. नंबर अमजद की ये गेंद चेंज ऑफ पेस किया था पहले ही पढ़ लिया केतन गरग ने. ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया थ्रो अकबर का एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. स्ट्राइक पर है बैट्समैन शुभम. इस मरतबा तेज तरार गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर सुमैल सूसे की तरफ. अच्छी विकेट कीपरिंग सुमैल सूसे की और फॉर विराट कोहली जूनियर. हर कोई वो विराट कोहली नहीं हो सकता जो यॉर्कर को भी सिक्स लगाए. चेंज ऑफ पेस हिट विकेट वहां पर आउट हो गए शुभम. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अमजद. जहां से मेगा फिनाले में अपनी गेंदबाजी को खत्म किया था वीआर के ही सामने आज वहीं से शुरुआत किए वीआर के ही सामने. और वो आईने को भी हैरत में डाल देता है. खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है. नए बैट्समैन तुषार सिल्के ये भी अच्छे बैट्समैन है वीआर के लिए. अमजद इस मरतबा तैयार नहीं थे बैट्समैन तुषार सिल्के. अच्छी गेंदबाजी लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इस वक्त वीआर स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए. अमजद की ये गेंद चेंज ऑफ पेस बीटवे डॉट गेंद. अमजद उनकी ये गेंद लव किया अच्छी गेंदबाजी करने के बाद फील्ड पर जाते हुए अमजद. दो ओवर के बाद टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन. एक रन खर्च किए अमजद ने इसीलिए तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे संयुक्त चषक के मैन ऑफ द सीरीज
अमजद रहे थे, नए बैट्समैन सूरज स्ट्राइक पर है, बैट्समैन केतन घरत उर्फ केजी ओवर लेकर आ रहे हैं। तीसरा इस वक्त गेंदबाज सोनू गेंदबाजी करेंगे। बारह गेंदों में 47 चाहिए। पहली ही गेंद पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए केतन घरत, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, मैच गया नहीं है। मैं समझता हूं तीन बड़े हिट अगर आ जाते हैं तो मैच बचा रहेगा। मर्तबा लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड घोषित किया अंपायर फारूक बर्डी सर ने, इसको अब खिसक कर पहुंचाया 17 रन। एक तरफा हार रही थी वीआर स्पोर्ट्स की, क्या आज वही कीर्तिमान एक बार फिर वीआर के साथ होने जा रहा है, क्योंकि सचिन आउट हो गए। सचिन चलते हैं वीआर चलती है, सचिन के आउट होने के बाद वीआर की मुश्किलें बढ़ जाती है और वो साफ नजर आ रहा है। इस मर्तबा आउट हो गए वहां पर सूरज। न्यू बैट्समैन ज्ञानेश्वर रजी कुमारी भी अपनी टीम का इस वक्त मैच का मजा ले रहे हैं। आरके फ्री हिट बल्लों की दुनिया का बेताज मरकज, जिसने लिया आरके का बल्ला उसने मचाया पूरे शहर के अंदर हल्ला। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पे मिड विकेट में, डीप से खिलाड़ी उठे अकबर एक रन। यस, पूरे शहर के अंदर आरके फ्रीट छा चुका है। इस मर्तबा गेंद को ड्राइव किया कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन पर, दूसरे के लिए पलटे बैट्समैन रॉन्ग एंड थ्रो, दो पूरे किए बैट्समैन ने। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं शकील कोटी जो एक तरफा हार और प्यार को पसंद करते हो। अच्छी गेंद खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑफ पर, अमजद मौजूद दूसरे के लिए पलटे केतन घरत दो पूरे। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है और कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही है वीआर स्पोर्ट्स। एक तरफा हार रही थी मेगा फिनाले में संयुक्त के, और क्या एक तरफा इसमें भी हारने जा रही है वीआर। चेंज ऑफ पेस किया वहां पर वाइट घोषित किया अंपायर फारूक बर्डी सर ने, इनका भी एक अलग अलग अंदाज है। 41 साल क्रिकेट खेलने के बाद अंपायरिंग में आए और अपने नाम को बहुत ऊंचा किया है। ये ऐसे गेंदबाज थे जिनके सामने लोहे के चने चबाए थे अच्छे अच्छे बैट्समैन ने। ये देखिए गेंद तीन षटकाची समाप्ती, तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 29 29 झालेला आहे।
तर आता मात्र शेवटचे सहा चेंडू आणि विजयासाठी 33 धावांची आवश्यकता. सहा चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता, तब्बल 5 षटक ढोकळायला लागतील या शेवटच्या षटकामध्ये. पाहूया कोणता गोलंदाज येतो शेवटचे सहा चेंडू हाताळण्यासाठी. अकबर, सहा चेंडू आणि 33 धावा, गोलंदाज अकबर. ज्ञानेश्वर फलंदाज स्ट्राइक एंडला. षटकातील पहिला चेंडू यावेळेस पहिला. सर एक फटका आपण पाहिला ज्ञानेश्वरच्या बॅटमधून, षटकार झाला होता. आता मात्र उर्वरित 5 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावांची आवश्यकता आहे. अकबर बोलतोय. यावेळेस अप्रतिम चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू बेट झालाय फलंदाज ज्ञानेश्वर. कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर, निर्धाव चेंडू. 4 चेंडू आणि 27 धावा. यावेळेस मिस टाइम फटका आपण पाहतोय. चेंडू हवेत झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी शुमेल सिसे याचा यष्टीरक्षक. एक धाव पूर्ण, 3 चेंडू आणि 26 धावा. केतन घरत स्ट्राइक एंडला, 3 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा चेंडू. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. जवळजवळ विजयाच्या उंबट्यावर आपण पाहतो आरके स्पोर्ट या संघाला. आपण मागच्या स्पर्धेत पाहिलं होतं शेवटच्या सामन्यात आरके स्पोर्ट विजयी झाला होता व्हीआर संघासमोर. यावेळेस देखील तसंच चित्र आपण पाहतोय, कारण उर्वरित शेवटचा चेंडू आहे आणि विजयासाठी 25 धावांची आवश्यकता आहे. क्रिकेटमध्ये कोणत्या प्रकारचा असा फटका नाही ज्याच्यावर 25 धावा व्हीआर स्पोर्ट या संघाला मिळू शकतात. शेवटचा चेंडू, नक्कीच पेनल्टी लागते त्या ठिकाणी. आरके स्पोर्ट या संघाला आपण पाहिलं की अमजद या क्षेत्ररक्षकाने आता तर रुमाल ठेवून चेंडू पकडला होता, तर या चेंडूवर 5 धावा आल्या. आता मात्र शेवटचा चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. यावेळेस चेंडू हवेत झेल खाली, शुमेल जय सोडतोय आणि अशा प्रकारे आरके स्पोर्ट हा संघ विजय होतोय. तर या ठिकाणी उपस्थित ताजिन इंटरप्राइजेस चे अवेज, आपणास विनंती असेल आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. ताजिन प्रॉडक्ट ट्रॉफी 2018 मध्ये आपलं स्वागत आहे, वेलकम. तर सामन्याचा सामनावीर, मॅन ऑफ द मॅच, 41 धावांची खेळ केली होती अकबर. अकबर आपण पुढे यायचं आहे. तर या ठिकाणी उपस्थित अमित स्पोर्ट सावंदे संघाचे कर्ता धरता चालक मालक गिरीश पाटील, आपणास विनंती असेल आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. ताजी ज्युनियर ट्रॉफी 2018 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम गिरीश पाटील. तर या ठिकाणी उपस्थित एच एस स्पोर्ट संघाचे कर्ता धरता शकील भाई कवाडवाला यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय. सामन्याचा सामना विरुद्ध पुरस्कार दिला जात आहे अकबर यास. वेल प्लेड अकबर. तर यानंतर रियल स्पोर्ट आणि जॉली युवा, जॉली जॉली युवा कामतगर.
आपको प्लीज